गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज स्थित शिव दयालगंज कटरा कुटी धाम पर महंत चिमनियानंद जी के सन्निधि में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व ग्राम प्रधान गायत्री यादव के प्रतिनिधि सुभाष यादव द्वारा किया गया। बैठक में गांव के लोगों ने अपनी समस्याएं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के समक्ष रखी, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया और उसका समाधान का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने बैठक में सड़क पर जलभराव, नालियों की साफ सफाई और नालियों के पुनर्निर्माण की मांग की। ये कई साल से यहाँ पानी भर। क्या नाम है आपका? बाल गोविंद पांडे। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये जो रास्ता है ये कटरा कुटी धाम तक जाता है और आने जाने वाले बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये कई साल से यहाँ पानी भरता रहता है, तो हम सांसद जी से यही कहना चाहते हैं इसका निस्तारण किया जाए, ये रोड बना दिया जाए और नाली वाली बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज आप बैठक में भी मौजूद थे? जी, इसीलिए बैठक में मौजूद थे, प्रस्ताव पास हुआ है वहाँ पर से, तो सांसद जी के पास जाएगा। सांसद जी से यही विनती करते हैं कि नाम से इसका निस्तारण करिए। ये कहाँ पे है? ये कटरा गांव है, कटरा ग्राम सभा, ग्राम सभा है कटरा कुटी धाम। ये बहुत दूर तक ये कटरा कुटी धाम है, 25 जिले से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, आशीर्वाद लेने हनुमान जी का। आज जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई है तो यहाँ की कुछ समस्याएं लोगों ने आप तक जो है पहुँचाई है, कितनी समस्याओं का त्वरित निस्तारण आपने यहाँ पर कर दिया? भाई, जुबान से तो तुरंत निस्तारण हो नहीं सकता, इसलिए काम करके हमने आश्वासन काम कर दिया है कि ये चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि हम तुरंत कह दिए और तुरंत हो गया। हमसे काली माता जी के कुंड के लिए और एक हमारे राम कुमार चाचा हैं जिनके यहाँ नाले की बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ में, और कुछ चीज़ें हैं गांव के निकासी के लिए और अमृत सरोवर पे कुछ सड़क और पुलिया बननी है, जिसका हमने आश्वासन दिया है और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि 5 से 6 महीने के अंदर ये सब काम करके दिखाऊंगा अपने जो हमारे बस में है ग्राम निधि से। ये सब कटरा कुटी धाम पे जो है आते हैं, गांव का अपमान होता है जी, और कटरा कुटी धाम पे 2500 जिले के लोग आते हैं, आशीर्वाद सानिध्य मिलता है यहाँ से, और गांव का जब वो रास्ता देखते हैं तो इसमें गांव के लोगों का सबका अपमान है, इसलिए हम चाहेंगे कि गांव के लोग आज सहयोग करें। क्या नाम है आपका? सोनू चौहान। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा गांव है और आए दिन यहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है कई सालों से। इसके बाद में हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाने में बहुत दिक्कत होती है, पानी में ऐसा जल भराव जो आपको दिख रहा है, इस गांव में तकरीबन 20 जगह जल भराव होता है और बच्चों को भी दिक्कत होती है और बूढ़े बच्चे जवान सब लोगों को दिक्कत होती है, लेडीजें हैं उनको भी दिक्कत होती है। इसके बारे में आपने कहीं जो है प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, प्रार्थना पत्र प्रधान जी के और हमारे कुछ गांव के बूढ़े बुजुर्ग सहयोगी उनके रहते हुए उपस्थिति में माननीय कीर्तिवर्धन जी को एक प्रार्थना पत्र और प्रस्ताव दिया गया है।